मुद्दा विहीन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपने 2.5 वर्ष की असफलता को छुपाने के लिए टूलकिट का एक सहारा लेकर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रिय सरकार को महंगाई के नाम पर बदनाम करने का प्रयास कर रही है। चूंकि भूपेश बघेल की सरकार के पास जमा पूंजी 2.5 वर्ष में आम जनता के बीच में अपनी उपलब्धि को रखने का कोई विषय नहीं है, इसलिए मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक कृत्रिम रूप से एक अभियान चलाकर या एक कृत्रिम आंदोलन करके मोदी सरकार को बदनाम करने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है। और आज तो हद हो गई जब महंगाई के आंदोलन के लिए तमाम वो कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो धरना प्रदर्शन के लिए रवाना हुए और वहां प्रदर्शन कर रहे थे, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ी, ये कैसा महंगाई का प्रदर्शन है, किस तरह का पेट्रोल डीजल के विरोध को लेकर प्रदर्शन है कि कांग्रेस के तथाकथित नेता आज पेट्रोल से भरी हुई गाड़ियों में पहुंचकर वहां पर महंगाई के खिलाफ में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि केवल नाम पर केवल आंदोलन करना इनकी एक मजबूरी रह गई है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत सूक्ष्म निगाहों से कांग्रेस की करतूतों को देख रही है। मुझे लगता है कि अब अंतिम विदाई की तैयारी हो गई है और 2023 में भूपेश बघेल की सरकार को यहां से रवाना होना पड़ेगा।